गाइस मैं स्वागत करता हूं आपका और मैं आज आया हूं सबसे बढ़िया बेहतरीन जगह में देहरादून, जो कि मौसम बहुत बढ़िया लाजवाब है यहां का। और फ़िलहाल तो धूप हो रही है, लेकिन कल तक मौसम बहुत बढ़िया था। मैं आपको दिखाता हूं इसके बाद के नज़ारे। फ़िलहाल तो हम चढ़ाई से नीचे उतर रहे हैं, यानी ढलान। भाई बहुत चलना पड़ता है यहाँ पर, कभी ऊपर कभी नीचे। और फ़िलहाल हम सब आए हुए हैं, तो हम जा रहे हैं एक बढ़िया सी जगह, जो कि आपको हम आपको दिखाएंगे आगे चल के, और आगे चलकर ही आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नीचे। गाइस जैसा कि हम आपको बता रहे थे, हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अब हम कर रहे हैं यहाँ से एंट्री। तो दिखाते हैं आपको एंट्री। और मैं आया हूँ यहाँ पे गुपचुप पानी में देहरादून के, और काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे और मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं अंदर, करते हैं एंट्री और उसके बाद दिखाते हैं आपको अंदर क्या क्या होता है। फ़िलहाल आपको बाहर यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप वगैरह मिल जाएंगे, तो शॉप वगैरह भी देखेंगे हम, आपको वापसी में दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर के नज़ारे। सबसे पहले आपके यहाँ से टिकट लेंगे और मैं दिखाता हूँ आपको टिकट का क्या चार्जेस है क्या नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से अब हम करेंगे एंट्री। और यहाँ पे पहले टिकट लगती थी, जो कि मैंने टिकट ले चुका हूँ। यहाँ से करेंगे एंट्री। टिकट भी आप ही चाहते तो वो आगे वाले आ जाओ। तो भाई हमने यहाँ पे टिकट दे दी है और अब हमने एंट्री कर चुके हैं और दिखाते हैं आपको। फ़िलहाल आप ये देखो यहाँ के नज़ारे कितने लाजवाब हैं। तो ये बहुत अच्छी सी जगह है और बहुत काफ़ी ठंडक सी है, हवा बड़ी अच्छी चल रही है, पानी पानी है हर जगह और पेड़ वगैरह भी हैं। तो आप देख सकते हो पानी वगैरह भी सब कुछ आपको दिख जाएगा। और अब इसके बाद अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद आपको दिखाते हैं कि कैसा नज़ारा होगा। फ़िलहाल तो बहुत अच्छा सा लग रहा है और काफ़ी ठंडक। हमारे लुधियाना में तो बहुत गर्मी है, इससे पहले मैंने आपको डलहौजी की वीडियो दिखाई थी, वहाँ पे भी भाई बहुत ठंड थी। वहाँ से कम है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, मौसम काफ़ी अच्छा है। तो गाइस ये यहाँ के कुछ नज़ारे, और अभी हम जाएंगे उस वाली गुफा के अंदर। वहाँ पे गुफा भी है और उस गुफा के अंदर जाते हैं। फ़िलहाल पानी बहुत कम ही है, ठीक ठाक है। आपको यहाँ पे चप्पल वगैरह रेंट पे लेनी होगी, ले सकते हो, या तो आप खुद अपना एक चप्पल लेकर आएं और यहाँ पे आप जा सकते हैं। हो सके तो निक्कर वगैरह पहन लें, और हम तो फ़िलहाल जीन्स में ही आए हैं क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए थे, हमें नहीं पता था। तो हम अपना पैंट करेंगे ऊपर, और पैंट ऊपर करने के बाद फिर भाई साहब हम निकलेंगे वो सामने गुफा के अंदर और लिखा। तो गाइस फ़िलहाल हम लोग अब अंदर घुस चुके हैं पानी के अंदर, और अब जा रहे हैं अंदर, दिखाते हैं आपको अंदर के नज़ारे। थोड़ा सा अंधेरा ज़रूर होगा क्योंकि अंदर गुफा है, और गुफा यही पानी के बीच में से ही निकल के जाना पड़ता है। तो हम निकलते हैं और आपको दिखाते हैं गुफा के अंदर का भी शॉट, लेकिन फ़िलहाल अभी 4 बजे हैं, आप हो सके तो थोड़ा जल्दी आइएगा। हमको थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि ट्रैफिक बहुत थी और बस के वजह से हम लेट हो गए थे। ये सामने आपको गुफा दिख जाएगी, इसी गुफा के अंदर जाना है। और यहाँ पे मैंने सुना था कि इस यहाँ पे डाकुओं का, जो लुटेरे होते हैं उनका यहाँ पे अड्डा होता था, वो कोई भी माल लूट के लेकर आते थे, वो यहाँ पे रखते थे इस गुफा के अंदर। तो ऐसे ही कुछ यहाँ का सीन है। तो चलते हैं, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से फिर दोबारा यहाँ आएंगे। तो हम भी यहाँ पे एंजॉय करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इतना पानी है, और ये गुफा का अंदर का नज़ारा यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा पानी है। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, खासकर गर्मी के मौसम में। इस टाइम ऐसा है कि बरसात हो रही है तो लोग बहुत कम आए, लेकिन जब गर्मी होती है तो मौसम के साथ
ज़्यादा हो रहा है, आवाज़ आ रही है, अगर आपको मेरी आवाज़ ना आ रही है तो स्कीप रखिएगा ध्यान। तो गाइस हम आ गए हैं अब इस पहाड़ के गुफा की दूसरी तरफ, जहाँ पे कुछ नहीं, कुछ खास तो नहीं है। यहाँ पे आप ऊपर फ़ोटो वगैरह कर सकते हैं, फ़ोटो क्लिक करेंगे आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, और वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं जो भी आपको जैसा भी सही लगे। और मैं तो फ़िलहाल आ चुका हूँ और काफ़ी पानी बहुत कम है, बीच बीच में आपको पानी थोड़ा सा ज़्यादा लगा होगा, इससे आगे अच्छी जगह है भाई। अभी हमारे भैया एक मिले हैं, ये भैया कह रहे हैं कि इससे आगे भी अच्छी जगह है, तो हम वहाँ भी जाएंगे। आप भैया पहले भी आ चुके हैं, ये भैया 10 बारी आ चुके हैं, यानी इनको सब कुछ पता होगा। हम जाते हैं इसके बाद उसके आगे और आपको दिखाते हैं इसके आगे का भी नज़ारा। फिलहाल गाइस हम लोग अब आ चुके हैं गुच्चुक पानी से बाहर, जो गुफा से बाहर, अभी तो फ़िलहाल पानी में इंजॉयमेंट कर रहे हैं, और इसके बाद हम जाएंगे एक और जगह जहां पे हम आपको जाकर दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट संडे, जब तक थोड़ी सी कर लेते हैं इंजॉयमेंट हम लोग भी और आपको दिखाएंगे नेक्स्ट लोकेशन। अब निकलते हैं वापसी, फाइनली हम निकल चुके हैं बाहर अब, और यहाँ से जाते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे और आपको वहीं जाके मिलेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे हमने क्या क्या देखा। वहाँ पे भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ, तो वहाँ पे भी दिखाते हैं आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन में। तो गाइज हम आ गए हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, ये है टपकेश्वर मंदिर। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे पानी अपने आप ही टपकता रहता है, तो ये यहाँ की खासियत है। चलो आपको अंदर जाकर दिखाते हैं, चलो चलें। तो गाइस फ़िलहाल हम पहुँच गए हैं मंदिर की गेट पे, एंट्री करने जा रहे हैं और देखते हैं अभी इसके बाद का क्या सीन है, क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं है, अंदर क्या होता है, कैसे मंदिर है, क्या है। अभी चलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, तो चलो चलें। तो आपको यहाँ मंदिर के बाहर मिल जाएंगे ऐसे प्रसाद की दुकानें, आप यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। और ये यहाँ पर एक मंदिर है जो कि हनुमान जी का लग रहा है, यहाँ पे मंदिर है। और ये रहा हमारी एंट्री, और हम यहाँ से अब एंट्री करेंगे, तो चलो एंट्री करते हैं। यहाँ से बजाते हैं सबसे पहले घंटी जो कि, और यहाँ से उतरना है नीचे, तो उतरते हैं नीचे। तो आगे चलो मम्मी पापा, बम बम बोले, जय बोले ना। तो भाई हम आ गए हैं अब मंदिर सामने, हमें दिख रहा है यहाँ से सीढ़ियाँ उतरे हैं, थोड़ी सी रह गई है, अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे और उसके बाद दिखाते हैं। फिलहाल आपको यहाँ के दिख रहा होगा सभी चीज़, मंदिर काफ़ी सारे मंदिर हैं, और अंदर जाएंगे और फिर दिखाते हैं आपको। लगी है अब इसके बाद अंदर हम जाके कैमरा या मोबाइल बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते,
यहाँ से मेन गेट है और यहाँ से अभी हम जाएंगे और वहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी कैमरा यूज़ नहीं कर सकते। बाकी अगर हम पूछ लेते हैं यूज़ करना हो कर सकते हैं तो हम ज़रूर करेंगे, आपको अंदर के भी दर्शन कराएंगे। तो चलो चलते हैं अंदर और पहले पूछ लेते हैं उनसे, उसके बाद ही कोई चीज़ फ़ोटो या वीडियो कुछ भी क्लिक करेंगे, उसके बाद ही करेंगे। तो यहाँ से हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर और यहाँ से हम पूछ लेते हैं कि हम फ़ोटो खींच सकते हैं कि नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम फ़ोटो और वो। तो गाइस हम वहाँ से मत्था टेक के आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं उसी के बिल्कुल सामने मंदिर है, अब उधर जाते हैं और उधर दर्शन करते हैं। फ़िलहाल अंदर हमें उस तरफ सामने जो मेन जहाँ पे शिवलिंग है वहाँ पे हमें फ़ोटो क्लिक करने के लिए नहीं दिया था। तो गाइज हम यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आ चुके हैं और सबसे नीचे आप यहाँ देखोगे यहाँ पे भी गंगा नदी, जो गंगा जी से सीधा पानी यहाँ पे आता है और यहीं पे अभी हम आएंगे। तो गाइज ये है यहाँ के नज़ारे, आप देख सकते हो ये पहाड़ों के बीच में और यहाँ पे भी आपको प्रसाद के लिए शॉप मिल जाएगी, आप यहाँ से भी प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। अब हम आए हैं यहाँ पे, ये वैष्णो देवी जी की गुफा है जहाँ पे जाना होता है, ऐसे ऐसे ही झुक के जाना पड़ता है यहाँ पे और हम जा रहे हैं। तो हमें पंडित जी ने यहाँ पे इजाज़त दे दी है कि आप यहाँ पे भी फ़ोटो खींच सकते हैं, तो अभी हम फ़ोटो खींच वीडियो बना रहे हैं। हमारे यहाँ के दर्शन हो गए हैं ख़त्म, अब हम जा रहे हैं घर। टाइम हमारा हो गया 7 बजे का, 7 बजे के आसपास ही है, 7 बजे नहीं है। और हमारा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट आएगा और कल हम कहाँ जाएंगे उसके भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, देहरादून की वीडियो में आपको नेक्स्ट कल का डे क्या होगा सेकेंड पार्ट में दिखेगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।